हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को जूम ऐप के बारे में बताऊंगा कि एज ए होस्ट आप कैसे जूम ऐप से इनविटेशन सेंड कर सकते हैं, कैसे मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग और स्क्रीन शेयर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जूम ऐप ओपन कर लें, उसके बाद मीटिंग में जाकर सेंड इनविटेशन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से इनवाइट करना चाहते हैं तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करें। उसके बाद व्हाट्सएप में जिस ग्रुप में आप सेंड करना चाहते हैं उसके टाइप एरिया पर जाके उसको पेस्ट कर दें और उसे सेंड कर दें। जो भी पार्टिसिपेंट होगा वो इस लिंक से ज्वाइन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं मीटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको फिर से जूम ऐप को ओपन करना होगा। जूम ऐप खोलने के बाद मीटिंग को स्टार्ट कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मीटिंग स्टार्ट हो गया है। अब इसके कुछ सेटिंग को देख सकते हैं। सेटिंग में जाने के लिए आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर में क्लिक करें, उसके बाद मीटिंग सेटिंग पे क्लिक कर दें। मीटिंग सेटिंग में आपको चार कैटेगरी मिलेंगे, सिक्योरिटी, अलाउ पार्टिसिपेंट टू, होस्ट कंट्रोल और जनरल सेटिंग। सिक्योरिटी में सबसे पहला है लॉक मीटिंग। इसको ऑन करने से जब सारे बच्चे या पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेंगे मगर मेरी माने तो इसे ऑन ना ही करें, क्योंकि किसी पार्टिसिपेंट का नेटवर्क इशू भी हो सकता है, तो फिर वह एक बार जो निकल गया वापस नहीं आएगा। दूसरे में है वेटिंग रूम। इसे आप ज़रूर ऑन रखें क्योंकि ऐप इससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ज्वाइन करेगा और कौन नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आप तो मीटिंग स्टार्ट कर दिए पर आप जब वेटिंग रूम का ऑप्शन ऑन रखेंगे तो आपको सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पार्टिसिपेंट में जाना होगा। पार्टिसिपेंट में जाने के बाद वहां पर आपको स्टूडेंट के कुछ लिस्ट मिलेंगे, उसे आप ज्वाइन कर लें। इसके बाद आपको पार्टिसिपेंट पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है वो जान लें, जैसे कि शेयर स्क्रीन। इस ऑप्शन को ऑन करिएगा तो कोई भी पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कर सकता है। अगर आपको किसी बच्चे का कॉपी देखना है तो आप उसको बोलकर उसे करवा सकते हैं। उसके बाद है चैट विथ। इसमें आप होस्ट ओनली कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर कुछ पढ़ा रहे और वो किसी और से चैट कर रहा है, तो आप इसे होस्ट ओनली कर दें। किसी को कुछ काम होगा तो वो आपको मैसेज कर देगा। उसके बाद है रीनेम देमसेल्फ। इस ऑप्शन को ऑन करने से कोई भी पार्टिसिपेंट अपना नाम ज्वाइन होने के बाद भी बदल सकता है। इसे आपको डिसाइड करना है कि ऑन करें या ना करें, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई इंडिविजुअल आके मीटिंग ज्वाइन करे, या ज़रूरत पे ऑन करें। इसके बाद है अनम्यूट देमसेल्फ। इसके ऑन करने से कोई भी पार्टिसिपेंट खुद से अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकता है। अब इसके बाद आता है होस्ट कंट्रोल। इसमें सबसे पहले है टॉपिक। इसमें आप टॉपिक को एडिट कर सकते हैं, जिस विषय पर आप बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टेंस को टॉपिक मानकर रखा है। उसके बाद है प्ले ज्वाइन एंड लीव साउंड। इसको ऑन करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कोई ज्वाइन किया है या लीव किया है। उसके बाद जनरल सेटिंग में आते हैं। इसमें सबसे पहले म्यूट अप ऑन एंट्री है। इसको ऑन करने से जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन होगा वो सबसे पहले म्यूट में होगा, फिर आप सबको पार्टिसिपेंट में जाके अनम्यूट कर सकते हैं। इससे होता है क्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आते ही मीटिंग में शोरगुल करने लगते हैं, तो वहाँ आप इसे ऑन रखें।
इसके बाद शो नन वीडियो पार्टिसिपेंट, यह कोई खास नहीं है, इसे आप ऑफ ही रखें। इसके बाद है शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, इसे ऑन रखने से जब कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेगा तो आपको टॉप पे उसका नेम शो करेगा। इसके बाद हम लोग स्क्रीन शेयर की बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन से आप बच्चों को बुक का पेज या कोई फोटो, डॉक्यूमेंट या कोई फाइल दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फोटो शेयर करके दिखाता हूँ। ये फोटो आ गया, इस पे आप कुछ ऊपर से लिख भी सकते हैं, जैसे पेन का यूज करके सर्कल कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए स्टॉप शेयर का ऑप्शन क्लिक कर दें। उसके बाद स्क्रीन शेयर में आपको एक स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, इसमें आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन को, जैसे मैंने किया है, ये स्क्रीन शेयर मेरा हो रहा है, इससे मैं अपने किसी बच्चों को वीडियो या फिर किसी फोटो को भी दिखा सकता हूँ। पर इसमें कोई साउंड नहीं आएगा, वीडियो अगर हम दिखाते हैं तो कोई साउंड नहीं आ सकता है इसमें। उसके बाद स्क्रीन शेयर में एक चीज़ और की बात कर लेते हैं, शेयर वाइट बोर्ड। ये बिल्कुल स्कूल के ग्रीन बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड की तरह है। इसमें आप कुछ पेन को सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ। इसमें थोड़ा लिखने में मुश्किल होगा, मगर लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सो ये था कुछ जूम ऐप के यूजेबल नॉलेज। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।